ए माँ, तू मुझे एक बात बता, तू मुझे चैन से जीने भी नहीं देगी क्या? तुझ में शर्म नाम की कोई चीज बची है या नहीं बची? तू अपनी बहू से घर का सारा काम करवाती है, वो घर का काम करने के लिए नहीं आई है। पता है कितने बड़े घर की बेटी है वो, और पढ़ी लिखी भी है, और तू सारे दिन उसे काम करवाती है। माँ, मेरी बात कान खोल के सुन ले, आज के बाद सारे घर का काम तू करेगी तू, वरना समझ लेना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। यूं टुकर टुकर क्या देख रही है बुढ़िया? जो मैंने कहा है उस बात पे अमल कर लेना तू। अरे गुलाबो, तू अभी तक उदास बैठी है? मैंने माँ को हिंदी में सब समझा दिया है, आज के बाद घर का कोई भी काम तू नहीं करेगी, सारा काम माँ अपने आप कर लेगी। गुलाबो चलो हंस के दिखा, तेरे नूर से चेहरे पे उदासी अच्छी नहीं लगती, चलो मुस्कुरा दे। चलो ये सब बातें तो छोड़ो, आप पहले ये बताओ कि अब की बार खेतों में फसल तो अच्छी हुई है ना? हाँ हाँ, फसल तो अब की बार बहुत अच्छी हुई है, मजा ही आ गया इस बार तो। तो फिर सुनो जी, आप ना मुझे कल बाजार से एक नया एप्पल का फोन खरीद कर देना जी। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर ला दूंगा। थैंक यू। तो चलो फिर इस बात पर एक सेल्फी हो जाए। माँ, लगता है बुढ़ापे में तू पागल हो गई है पागल। तेरी बहू बेचारी तो झाड़ू लगा रही है और तू कुर्सी पे महारानी बन के बैठी हवा ले रही है। माँ, तुझमें शर्म नाम की चीज नहीं बची। कल मैंने तुझे क्या समझाया था कि घर का सारा काम तू करेगी तू, मगर तूने अपनी औकात दिखाई दी। तूने मेरी फूल सी नाजुक कली गुलाबों के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी इतनी गर्मी में। अगर उसे कुछ हो जाता तो? कान खोल के मेरी बात सुन ले माँ तू, अगर तूने आज के बाद उससे कोई काम करवाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा माँ। अरे गुलाबो चुप हो जा, रो मत। देख
देखो जी, झाड़ू लगा लगा के मेरे नरम हाथों में छाले पड़ गए। अरे गुलाबो, तुझे जरूरत क्या थी झाड़ू निकालने की? माँ खुद निकाल लेती, तू एक बार मना तो कर देती। जी मैंने आपकी माँ को मना किया था, लेकिन उन्होंने मुझे धमकी देते हुए कहा कि अगर इस घर में रहना है ना तो काम तो करना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ उन्होंने मुझे गंदी गंदी गालियां दी और मेरी पिटाई भी की जी। गुलाबो तू रो मत, उस बुढ़िया की इतनी मजाल, आज मैं उस बुढ़िया को सबक सिखा के रहूंगा, तू रुक यहीं पे। अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगी, तू मेरा बसा बसाया घर उजाड़े, उससे पहले मैं तेरा आशियाना उजाड़ देता हूँ। चल निकल मेरे घर से। नमस्कार प्रिय दर्शकों, माँ से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। माँ भगवान का दूसरा रूप होती है, इसीलिए हमें माँ का दिल कभी भी नहीं दुखाना चाहिए। इस वीडियो में हम दोनों ने जो गलती की है वो गलती आप भूलकर भी ना करें। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।